जालौन जिले में एक सभा के दौरान विधायक के खिलाफ हुई आपत्तिजनक नारेबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद विधायक मूलचंद निरंजन ने मीडिया को अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नारेबाजी करने वाले लोग भाजपा से घबराए हुए हैं और उनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते रोज जालौन में किसान मोर्चा सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का दौरा था, जहां उन्हें उरई नगर क्षेत्र के दो चौराहों पर शहीद भगत सिंह तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्तियों का अनावरण करना था, लेकिन खराब मौसम होने के कारण वह नहीं पहुंचे तो लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसमें जनपद जालौन के विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जाने लगे। तो वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं एक वायरल वीडियो तो नहीं था भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के न आने का कारण। फिलहाल यह तो नहीं पता कि नारे लगाने के पीछे यह कोई साजिश है या कोई और वजह। सवाल यह भी उठता है कि क्यों इस तरह की नारेबाजी की गई। तो वहीं जब विधायक मूलचंद निरंजन से बात की तो उन्होंने कहा कि विपक्षी सरकार के कार्यों से बौखलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने गुंडाराज खत्म कर दिया, जिससे अराजक तत्व भी तिलमिलाए हुए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के मुखातिब में जनपद में विराट किसान सम्मेलन आयोजित था। कुछ लोगों ने कार्यक्रम को खराब करने के लिए पार्टी की छवि खराब हो जिले में, क्योंकि जिले में समय पार्टी नंबर एक पर है, सारी सीटें हमारी जो माहौल है तीनों सीटों जिले की जीत रही हैं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में गुंडा और माफियाओं का राज समाप्त हो गया है, अराजकता नहीं कर पा रहे हैं। इससे कुछ लोग तिलमिलाए हुए हैं और उनकी गुंडागर्दी और अराजकता अपराध है सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए पार्टी की छवि खराब हो, पार्टी का नुकसान हो, इसके लिए ये षड्यंत्र किया गया। जनपद जालौन से देवेश कुमार सोड़कर की रिपोर्ट।